दोस्तों आपने टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स तो सुने होंगे, लेकिन बात आती है जब थ्री व्हीलर्स की तो ये काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही रेयर थ्री व्हीलर्स व्हीकल्स की जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8, स्लिंगशॉट। दोस्तों अगर आप इस थ्री व्हीलर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ओपन एयर व्हीकल देखने को मिल जाता है जो कि पूरी तरीके से ओपन रहेगा, जिसमें कि दो लोग सफर कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहती है कि ये देखने में एक रेसिंग कार जैसा लगता है। इसमें इनबिल्ट होता है प्रोस्टार 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो की इसे पावरफुल बनाता है, और इसकी टॉप स्पीड 125 माइल्स पर आवर की होती है जो की काफी बेहतर रहेगी। ये व्हीकल बेहद कम्फर्टेबल रहेगा कहीं आने जाने के लिए, इसका इस्तेमाल आप एक बाइक के तौर पर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी दे रखा होता है। इस ऑडियो किट में आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं, इसे अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करा सकते हैं। ये सारे एडवांस फीचर्स जो कि आपको कार में दे रखे होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाता है एक कमाल का थ्री व्हीलर व्हीकल जो कि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा है पर्सनली। नंबर 7, यामाहा नाइकन जीटी। दोस्तों अगर आप यामाहा के फैन हैं और आपको भारी भरकम उनकी गाड़ियां काफी पसंद आती हैं तो ये व्हीकल भी बड़ा कमाल का लगने वाला है आपको। नॉर्मली तो अगर आप यामाहा की गाड़ियां देखते होंगे तो वो काफी ज्यादा हैवी रहती हैं, ठीक उसी तर्ज पर ये भी रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 व्हील्स नहीं बल्कि 3 व्हील्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके बैलेंस को और भी ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। इस बाइक की खास बात ये होती है कि यहाँ पर फ्रंट सेक्शन पर 2 व्हील्स लगे रहेंगे जो कि स्टेबिलिटी के साथ आपको क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस ऑप्शन देते हैं। इस बाइक में आपको 847cc का लिक्विड कूल्ड 3 सिलेंडर इंजन दे रखा होता है जो कि इसे पावरफुल बनाता है। इसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा जो कि काफी बेहतर बना देता है इसकी कंट्रोलिंग को। इस तरीके की बाइक्स का इस्तेमाल आप रेसिंग के लिए कर सकते हैं, साथ ही अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये बाइक आपको काफी हद तक स्टेबिलिटी देती है। तो अगर आपका भी लद्दाख टूर जैसा कोई प्लान बन रहा है तो इस तरीके की बाइक काफी ज्यादा बेहतर रहेगी ऐसी जगहों पर आपके लिए। नंबर 6, वेंडरहॉल। दोस्तों बात अगर थ्री व्हीलर्स की करी जाए तो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर आप कोई ऐसी गाड़ी के शौकीन है जो कि काफी विंटेज स्टाइल लगती हो देखने में तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों इस थ्री व्हीलर की खास बात ये होती है कि ये भी एकदम ओपन एयर व्हीकल होता है, जहां पर आपको जो इसका लुक देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा विंटेज स्टाइल देखने को मिल जाएगा। लुक वाइज देखने में ये काफी बेहतरीन सी तो लगती ही है, साथ में इसमें इनबिल्ट होता है 1.5 लीटर टर्बो 194 HP का इंजन जो कि इसे पावरफुल बनाता है। साथ ही इसका 6 गियर ट्रांसमिशन आपको और भी ज्यादा स्मूथ देगा, जिससे कि आप आसानी से हर तरीके के रोड्स में इसे ऑपरेट कर पाएंगे। इसकी खास बात ये रहती है कि आप इसमें अपने पार्टनर के साथ आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको हाईटेक म्यूजिक सिस्टम और साथ ही क्रूज कंट्रोल्स दे रखे होते हैं, जिनसे कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके की छोटी सी कार कैसी लगी है। नंबर 5, सोलो ड्राइव। दोस्तों अगर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करी जाए तो आज की तारीख में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जो कि सिंगल सीटर हो और जिसे आप आराम से कहीं भी जा सकें बस चार्ज करके ही, तो ये गाड़ी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों ये एक ऐसा थ्री व्हीलर होता है जहाँ पर सिंगल सीट होती है सिर्फ ड्राइवर के लिए, और दोस्तों यहाँ पर आपको वो सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है जो कि आपको नॉर्मल एक कार में देखने को मिलती है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के तौर पर कर सकते हैं। इसका लुक भी काफी यूनिक रहता है जिससे कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगी, और ओवरऑल साइज में तो छोटी होती ही है जिससे कि इसका पार्किंग स्पेस भी काफी कम रहेगा। तो दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए एक ऐसी छोटी सी कार लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये काफी बेहतर ऑप्शन रहेगी। ये कार सिंगल चार्ज पर लगभग 100 माइल्स तक की रेंज कवर करती है, और बैटरी पावर्ड होने के बावजूद भी इसकी टॉप स्पीड 18 माइल्स पर आवर की होती है जो कि काफी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस छोटी सी कार में, तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये छोटी सी कॉम्पैक्ट सी कार कैसी लगी है। नंबर 4, डीसी ट्राई इलेक्ट्रिक ट्रिक। दोस्तों फ्यूल्स के बढ़ते दामों को देखते हुए आजकल ई बाइक्स काफी ज्यादा चलन में आ रही हैं। तो अगर आप भी एक ई बाइक खरीदने का मूड बना चुके हैं तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक ऐसा थ्री व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जो कि आपके आसपास जाने के लिए काफी बेहतर रहेगा। इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको 3 व्हील्स दे रखे होते हैं, जहाँ पर इसके पीछे की तरफ आप इजिली कम्फर्टेबल खड़े हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके हैंडल को एक साइकिल की तरह ऑपरेट करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ चाहें। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर की होती है जो कि काफी ज्यादा रहेगी। अगर आप इसका इस्तेमाल लोकल में करना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट होने वाला है ये आपके लिए। वहीं दोस्तों इसे आप 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर भी ले जा सकते हैं जो कि काफी बेहतर रहेगा इसे इस्तेमाल करते वक्त। तो दोस्तों अगर आपको ये थ्री व्हीलर बाइसिकल पसंद आई हो तो इसे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। नंबर 3, बाइक कार 3.0।
दोस्तों अगर आप पर्सनल यूज के लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीदना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप आने जाने के लिए कर पाएं, तो ये चीज काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। नॉर्मली तो आप बाइक या फिर साइकिल वगैरह परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ओपन रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं मौसम वगैरह से सुरक्षा वहां पर आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इस व्हीकल को देखेंगे तो ये एक ऐसा थ्री व्हीलर व्हीकल होता है जो कि चारों तरफ से पैक रहता है। एक तरीके का बैटरी पावर्ड होने की वजह से यहां पर आपको 37 माइल्स तक की रेंज देखने को मिल जाती है और इसका चार्जिंग टाइम भी बहुत कम रहता है, जो कि लगभग एक घंटे में ये व्हीकल पूरा चार्ज हो जाता है। साथ ही दोस्तों इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहेगा, जहां पर आपको एक हैंडल दे रखा होता है, जैसे कि आप अपनी बाइक को ऑपरेट करते हैं ठीक वैसे ही आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफी बेहतर रहती है ये चीज, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी आने जाने के लिए। लेकिन आप फिलहाल अभी कमेंट करके ये बता सकते हैं क्या इस तरीके का व्हीकल किसी बाइक का सब्स्टिट्यूट हो सकता है इंडिया के अंदर कभी। नंबर सेकंड, कैन-एम स्पाइडर आरटी। दोस्तों अक्सर आप भारी भरकम बाइक्स को इस्तेमाल करते होंगे या फिर रेसिंग बाइक्स का आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो रेसिंग बाइक्स होती हैं वो पावरफुल तो होती हैं, जिन्हें कि आप तेज स्पीड में दौड़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कंफर्ट लेवल उतना नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस बाइक को देखने के बाद आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि तेज स्पीड से चलने वाली बाइक्स भी आपको कंफर्ट दे सकती हैं। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी थ्री व्हीलर मोटर बाइक होती है जहां पर आपको एक पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि रोटेक्स 1330 ACE इंजन होगा, जो कि एक ट्रिपल सिलेंडर इंजन है। इसका एक बार आप सिंगल टैंक फुल कराने के बाद लगभग 406 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है किसी भी मोटर बाइक के लिए। वहीं दोस्तों यहां पर आपको एक छोटी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी होती है, जो कि आपको काफी सारे कंट्रोल्स देगी। साथ ही व्हीकल का स्टेबिलिटी सिस्टम आपको काफी पसंद आएगा। यहां पर पीछे बैठने वाले के लिए भी एक कंफर्टेबल सीट दे रखी होती है, जो कि काफी बेहतर रहेगी। वहीं दोस्तों 6-speed ट्रांसमिशन इसे और भी ज्यादा खास बनाता है, जिससे कि आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यही सारे फीचर्स इसे खास बनाते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाती है एक ऐसी मोटर बाइक जिसका इस्तेमाल आप एक रेसिंग बाइक के साथ साथ एक राइडिंग बाइक के तौर पर भी कर पाएंगे। नंबर 1, टोयोटा आईरोड। दोस्तों टोयोटा की तरफ से आने वाली एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्स आपने रोड्स पर दौड़ लगाती हुई देखी होंगी। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्हीकल की बात करें जिसका इस्तेमाल आप एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के तौर पर कर पाएं, तो ये थ्री व्हीलर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है, यानी कि सिंगल सीटर कार रहेगी, जिसमें कि आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको सारे कार्स के फीचर्स लगभग दे रखे होंगे, जिससे कि आप इसे ड्राइव कर सकेंगे। और बात अगर लुक वाइज करी जाए तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सी लगती है देखने में। तो दोस्तों खास तौर पर टोयोटा अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और इसकी ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको टोयोटा की कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है और आप किसे खरीदना चाहेंगे। और आपको ये कार अगर पसंद आई हो तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।